पूत जन जेड़ा राणा प्रताप अकबर सुता ऊज के जाने सिराने सा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सिंह राजपुरोहित एक बार पुनः आप सभी के सामने हमारे नवजीवन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर दोस्तों आपने महाराणा प्रताप के बारे में, अगर इतिहास के बारे में कुछ जाना है, पहचाना है, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें कि ये कोटेशन किसने कही थी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक होगा संसद के सत्र। संसद के कितने सत्र होते हैं, तो आज का हमारा ये टॉपिक होगा संसद के सत्र एवं कार्य। तो देखिए, पहला हमारा होता है बजट सत्र। बजट सत्र बजट सत्र दूसरा हमारा मानसून सत्र। मानसून सत्र और तीसरा हमारा होता है शीतकालीन सत्र। भारतीय संसदीय प्रणाली के अनुसार एक वर्ष में तीन सत्र होते हैं संसद के, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। बजट सत्र कब होता है? फरवरी मई। मानसून सत्र होता है अपना जुलाई सितंबर, जुलाई सितंबर। और शीतकालीन सत्र होता है अपना नवंबर दिसंबर, नवंबर दिसंबर। ठीक है दोस्तों, संसद के तीन सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। बजट सत्र क्या होता है? लॉकडाउन से पहले आपने देखा होगा एक फरवरी 2020 हमारी वित्त मंत्री वर्तमान में श्रीमती निर्मला जी सीतारमन, जिन्होंने बजट 2020 की पेश किया था राष्ट्रीय आय, जिन्हें हम कहते हैं बजट सत्र हम कहते हैं, वो पेश किया था। इसमें सरकार के निर्णय, जनता के क्या कार्य किए जाने हैं, इसमें किस क्षेत्र के लिए कितने पैसे सरकार खर्च करेगी वो तय किया जाता है, कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कितने पैसे व्यय करेगी, औद्योगिक क्षेत्रों एमएसएमई के लिए कितना क्षेत्र कितना पैसे उपयोग में लेगी। मानसून सत्र, इसे हम मानसून सत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारा मानसून हमारे भारत में कब आता है? मानसून हमारा आता है जुलाई और अगस्त के महीने में, इसलिए हम इसे मानसून सत्र कहते हैं। इसमें भी जनता को मुद्दे को उठाया जाता है और इसमें वाच विचार विमर्श किया जाता है, उसके बाद में इसमें किया जाता है। शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे आप पता है भारत में सर्वाधिक अगर सर्दी पड़ती है तो नवंबर और दिसंबर के महीने में पड़ती है, इसलिए इसका नाम शीतकालीन सत्र रखा गया। ठीक है, कुछ नॉर्मली मैं बातें आपको बता रहा हूं इससे संबंधित कुछ बातें हैं। तो इसके जो है अनुच्छेद 85 को 85 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह संसद की वह संसद के बैठक बुलाए समय समय पर, समय समय पर
जब राष्ट्रपति को यह लगे कि यह समय उचित है तभी वह संयुक्त बैठक बुला सकता है। समय समय पर 70 आहूत करें। दूसरे इसमें बड़ी बात यह आती है कि कोई भी अगर संसद का सत्र चलता है उसमें प्रथम सत्र के अंतिम बैठक और आने वाले जो सत्र है उसकी प्रथम बैठक के मध्य 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी सीधा सा सवाल यह है, बैठक के मध्य 6 माह का अंतराल नहीं होना चाहिए। सत्र को स्थगित करने का जो अधिकार है वो संसद के पीठाधीश अधिकारी रखते हैं। स्थगन करने का अधिकार पीठाधीश अधिकारी को है। अगर मैं बात करूं सत्र की, सत्रावसन करने का जो अधिकार है वो अपने राष्ट्रपति को है। सत्रावसन का अर्थ होता है संसद का सत्र का समापन, जो जिसको अधिकार है राष्ट्रपति को। ठीक है दोस्तों, इतना कुछ समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों हम अब आगे चर्चा करते हैं संसद के कार्य, संसद के क्या कार्य होते हैं। तो नॉर्मली संसद के 4 कार्य बताए गए हैं। विधि निर्माण कार्य, संसद का सर्वप्रथम ये कार्य होता है विधि निर्माण कार्य। दूसरा होता है धन विधेयक पारित करना। तीसरा संसद का जो कार्य होता है संविधान में संशोधन करना, और चौथा जो संविधान संसद का कार्य होता है वो होता है कार्यपालिका पर नियंत्रण, ये हमारे संसद के 4 कार्य बताए गए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद मैं एक एक का संक्षिप्त में बताता हूं आपको। संसद के कार्य 4 होते हैं, विधि निर्माण कार्य, धन विधेयक पारित करना, संविधान में संविधान संशोधन करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण। अब हम बात करते हैं विधि निर्माण कार्य की। ये संसद का सर्वप्रथम कार्य होता है। विधि क्या होती है? विधि होता है कानून। विधि क्या होता है?
विधि। विधि का मतलब कानून, विधि का मतलब होता है कानून। ठीक है, विधि का मतलब होता है कानून। तो आज हम इसमें देखेंगे कि हमारा कानून कैसे बनता है, किस तरीके से इसमें संसद में इसे लाया जाता है और किस तरह पारित किया जाता है। तो हमारे यहाँ नॉर्मली तीन विधायक होते हैं। पहले विधायक को कहते हैं हम साधारण विधायक, दूसरे विधायक को हम कहते हैं सरकारी विधायक, और तीसरे को हम कहते हैं गैर सरकारी विधायक। अब साधारण विधायक, सरकारी विधायक, गैर सरकारी विधायक क्या होता है? अब बात करें हम साधारण विधायक की, तो कानून बनाने के जो प्रस्ताव को साधारण विधायक कहते हैं, कानून बनाने के प्रस्ताव को साधारण विधायक कहते हैं। अगर कोई भी विधेयक मंत्री परिषद के किसी सदस्य के द्वारा सदन में रखा गया हो तो उसे सरकारी विधेयक कहते हैं, और तथा अगर साधारण व्यक्तियों द्वारा किसी सदन में रखा गया हो तो वह क्या कहलाता है? गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। विधेयक संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। केवल धन विधेयक को छोड़कर, क्योंकि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। विधेयक संसद में किसी भी सदन में रखा जा सकता है। अब बात करें हम संविधान की, सातवीं अनुसूची के तहत संघ एवं प्रांतों में शक्ति का विभाजन किया गया है। सातवीं अनुसूची के तहत। अब ये क्या होता है, कोई भी सरकार हो, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उन्हें कानून बनाने के जो उन्हें सूचियां दी गई है, तीन सूचियां प्रदान की गई है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ग सूची। अगर संघ सूची के मैं बात करूं तो हमारी संघ सूची में हमारी केंद्र सरकार कानून बनाती है, और राज्य सूची की अगर मैं बात करूं तो राज्य सरकार हमारी राज्य सूची में कानून बनाती है। अगर संवर्ग सूची की मैं बात करूं तो संवर्ग सूची में हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों संयुक्त कानून बना सकते हैं, लेकिन जो दबदबा कहते हैं हम, जिसका पलड़ा हमारे केंद्र सरकार का भारी रहता है संयुक्त समवर्ती में। ठीक है, कोई भी विधेयक उसको सदन में पास होने के लिए उन्हें अनेक प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। तो देखिए, प्रत्येक सदन में
विधेयक तीन वाचन होते हैं, तीन वाचन होते हैं। कोई भी विधेयक हो उसके प्रत्येक सदन में यानी राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में तीन तीन बार उसके वाचन होते हैं। पहला वाचन क्या है? खड़े होकर प्रस्ताव करना। कोई भी अगर मंत्री है वो खड़े होके वो प्रस्ताव करता है कि ये विधायक है, इसका परिचय देता है कि भाई हम ये कानून लाने जा लेके जा रहे हैं। दूसरा इसमें क्या होता है, इसे आमतौर पर दी जाती है, इसे प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी जाती है। दूसरा क्या होता है, इस पर फॉरवर्ड समिति का गठन किया जाता है, फॉरवर्ड समिति का गठन किया जाता है, गठन किया जाता है तथा बहस एवं विचार विमर्श किया जाता है। किया जाता है क्यों भाई? क्योंकि इस पर अगर दूसरे सदन में उसी में दूसरे वाचन में हम आते हैं तो इसमें एक प्रवर समिति का गठन किया जाता है तथा बहस और विचार विमर्श किया जाता है। अब बहस की बात आ गई है तो हाल ही में आपने देखा होगा कि हमारे लोकसभा में जो कृषि बिल पास हुए थे और राज्यसभा में पास हुए थे, जो कृषि बिल अभी भी वर्तमान की बात करूं कल या परसों ही हुए थे, उसमें क्या होता है राज्यसभा में बहस भी चली थी, कुछ बहस चली थी, एक दो दिन बहस चलने के बाद उसे ध्वनि मत पारित से पास किया गया था। तब हम बात करें तृतीय वाचन की, तृतीय वाचन में सामान्य चर्चा के उपरांत मतदान होता है। ठीक है, ऐसे तीन वाचन होते हैं एक सदन में, ऐसे ही तीन वाचन अगले सदन में होते हैं। अगर अगर उसमें कुछ ये तीन वाचन आपने स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा एक सदन में तीन वाचन होते हैं और ऐसे ही अगले सदन में तीन वाचन होते हैं। ठीक है, अगर कोई भी सदन असमर्थ हो, असहमत हो उस कानून से, तो वह मत हो जाता है, तो वहां पर दोनों संयुक्त बैठ के होता है और दोनों संयुक्त बैठ के की जो अध्यक्षता है वो हमारे लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, अगर दोनों राज्यसभा और लोकसभा में दोनों उसमें से अगर बिल पारित हो जाए तो वह बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है, क्योंकि हमारा संविधान का अनुच्छेद 111 यही कहता है कि कोई भी विधेयक जब तक कानून नहीं बनता जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर न हो जाए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं संसद का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य, संसद का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है? धन विधेयक पारित करना। धन विधेयक पारित करना, ठीक है, यह संसद का दूसरा कार्य है। धन विधेयक का वर्णन, धन विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 109 में दिया गया है। अनुच्छेद
110 धन विधेयक को पारित करता है। ठीक है, धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता। धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता किया जाता तथा राष्ट्रपति के सिफारिश पर लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, यह संसद का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है जिसे हम धन विधेयक कहते हैं, धन विधेयक पारित करना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे संसद का तीसरा महत्वपूर्ण जो कार्य होता है संविधान में संशोधन करना। संविधान में संशोधन करना हमारे भारतीय संसद के पास है। आर्टिकल अनुच्छेद 368 के तहत कोई भी संविधान में भारतीय संसद संविधान संशोधन कर सकती है। ये संसद को अधिकार प्राप्त है। 2019 तक की बात करूं मैं, 2019 तक तो 103 विधेयक 103 संशोधन सॉरी पारित किए जा चुके हैं किए जा चुके हैं। और 2020 में बताते हैं कि 104वां संविधान संशोधन वो भी पारित हो गया, जिसमें ये SC ST जो आरक्षण का प्रावधान है वो 2030 तक उसमें बढ़ा दिया गया है। कहा जाता है 104वां भी दो बढ़ा दिया गया है। तो अभी तक 2019 तक मैं बात करूं तो संविधान में 103वां संविधान संशोधन है। 103वां संविधान संशोधन क्या है? 103वां संविधान संशोधन जनरल वो सरल बच्चों के लिए या हम कह सकते हैं सामान्य श्रेणी के बच्चों के लिए 10% आरक्षण का जो प्रावधान रखा गया है हमारे केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, संसद का चौथा कार्य था जो कार्यपालिका पर नियंत्रण। जैसे हम बात करें शून्यकाल, प्रश्नकाल, कामों को प्रस्ताव आदि पर नियंत्रण रखने का जो कार्य है, जो हमारी संसद का कार्य था। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा हमारे सरकार के जो अंग में टॉपिक चल रहा था हमारी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, जिसमें हमारी व्यवस्थापिका आज पूर्ण हो गई है, तो अगले वीडियो में हम कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे। तो हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।